नमस्कार दोस्तों, वेडनेसडे मॉर्निंग को एनएसी नेवी के साथ एक इंसिडेंट हुआ। जी हाँ, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल, आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इंडोनेशियन नेवी सर्च फॉर सबमरीन विथ 53। जी हाँ, इनकी एक वो सबमरीन थी जो कि 53 मेंबर्स या व्यक्तियों के साथ लापता हो गई है कल सुबह से, जिसका अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है। आखिर सबमरीन के साथ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, और ये केवल सर्च कर रहे हैं। इनकी नेवी लगी हुई है कंटिन्यूसली इन इसको लगातार ढूंढने के अंदर। ठीक है, तो वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर क्लासेस पर, जिस पे आज अपन डिस्कस करेंगे आखिर हुआ क्या था। चलो अपन पहले इसको मैप के द्वारा समझते हैं। आप देख सकते हैं ये साउथ ईस्ट एशिया का मैप है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा मलेशिया, और ये सारा पार्ट है जो ग्रीन कलर में, सारा इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया क्षेत्रफल की दृष्टि पे दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश है, और सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं, जिसमें केवल इनके 17,000 के आसपास इनके द्वीप हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी राजधानी है जकार्ता, और यहाँ पे जो आइलैंड है बाली आइलैंड, इससे 100 किलोमीटर दूर पे एक सबमरीन थी जो कि गोता लगाने के बाद से बिल्कुल लापता है। चलो मैं आपको इनकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडोनेशिया, यहाँ पे इसकी राजधानी जकार्ता, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है, जहाँ पे पास में एक बाली आइलैंड और है इंडोनेशिया का, इससे 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, इससे 100 किलोमीटर दूर वो सबमरीन गोता लगाती है और वहीं से लापता हो जाती है। इनका अब इनकी नेवी के साथ कनेक्शन टूट जाता है, उसके बाद से इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है, KRN नंगला 402 सबमरीन थी जो कि एक जर्मन निर्मित सबमरीन थी, जिनके एक 5 ग्रुप में निर्मित सबमरीन थी, जिसका फर्स्ट ग्रुप था 209 1100, ये सबमरीन थी जो कि इसको एक्सरसाइज के लिए चुना, वॉर एक्सरसाइज के लिए चुना गया था। और जब ये परमिशन पहले गोता के लिए परमिशन नेवी से लेती है, उसके बाद ये परमिशन लेने के बाद जब ये गोता लगाती है तो ये 700 मीटर की गहराई में जाके ये लापता हो जाती है, और इसी के बाद से इनका और इनकी नेवी से इनका कनेक्शन टूट जाता है। वो परमिशन दी जाती है, बिल्कुल एक प्रक्रिया के हिसाब से परमिशन दी जाती है, उसके बाद से ये लापता है। ये इनकी इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है, इनका हेलीकॉप्टर था इंडोनेशिया का, जिन्होंने देखा था कि कहीं पानी के ऊपर ऑयल फैला हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है, उसी से ये कि भाई उसी से ये अंदाज लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहीं से ये सबमरीन लापता हुई है, हो सकता है सबमरीन टूट गई हो सकता है सबमरीन किसी भी किस कारण से ये लापता है, उसका बिल्कुल पता चला नहीं है अभी। ये केवल जो ऑयल स्पिल हुआ है, जो ऑयल का फैलाव है पानी के ऊपर, उसी के बेसिस के आधार पर ये सबमरीन को आसपास के क्षेत्र में सर्च कर रहे हैं इंडोनेशियन नेवी। और इनका इनकी नेवी का कहना है कि हम सबमरीन की लोकेशन को अभी भी हम नहीं सर्च कर पा रहे, हम केवल ऑयल के जो तेल के जो फैलाव है उसी के बेसिस के आधार पर हम सबमरीन की अभी भी तलाश कर रहे हैं। और जो ऑयल सबमरीन से बाहर आया था एक्चुअली में, जो ऑयल का फैलाव है उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं सबमरीन डैमेज हुई है, सबमरीन की बॉडी डैमेज हुई है, जिसकी वजह से ऑयल का फैलाव हो चुका है। ठीक है, और इंडोनेशियन नेवी ने 2 वॉरशिप और 400 पर्सनल भेजे हैं इसकी सर्चिंग के लिए, इसकी तलाश के लिए, जो कि अभी तक जारी है, उसका कुछ अता पता चला नहीं है। अभी तक मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ तक मुझे पता ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है, तो अभी भी इसकी तलाश जारी है। और इंडोनेशियन नेवी पहले से सेंड कर चुकी है इसकी लोकेशन और इसके बारे में जुड़े लिंक आस पड़ोस के देशों को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, और इंक्लूड इंडिया भी इसमें शामिल है, इनको भी एक लिंक भेज दिया गया है कि हेल्प के लिए, सहायता के लिए, जिससे कि इन लोगों ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हम इनकी ये सहायता करने के लिए तैयारी भी हो गई। ये इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है, इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है। एक्चुअली इसके अंदर 53 व्यक्ति सवार थे, इसके अंदर 49 इनके व्यक्ति थे, एक कमांडर था और 3 गणेश थे, ठीक है, जो कि संचालित करते हैं सबमरीन को। और ये सबमरीन 700 मीटर की गहराई में 2300 फीट की गहराई में जाके लापता हो जाती है। एक्चुअली इंडोनेशियन नेवी ने कुछ ही समय पहले अपने जो सारे वेपन थे या अपने सारे जो इक्विपमेंट थे उनको रिसेंटली अपग्रेड करवाया था, और इनके पास 5 जर्मन सबमरीन्स एंड कुछ साउथ कोरियन सबमरीन भी इनके पास हैं।
इनकी फ्लीट्स में इनके अंदर ये चीज़ें शामिल है जी। ये जो केआरएन नंगल 402 है ये 2300 टन की सबमरीन थी और 1978 में इसका निर्माण हुआ था जर्मनी में, और इसका निर्माण किया था जर्मनी की एक कंपनी है हवालडेस्वर के जूथ शिपयार्ड, ठीक है, इसने इसका निर्माण किया था। और 1981 में, ठीक है, 1981 में इंडोनेशियन नेवी ने इसको काम में लेना आरंभ कर दिया था, ठीक है। ये 209 डीजल इलेक्ट्रिक टाइप की सबमरीन थी जो कि फर्स्ट सबमरीन थी अपने ग्रुप की। 5 सबमरीन और थी, ये 209, 1100, 1200, 1300, इसी हिसाब से इनके 5 ग्रुप थे, उसमें से ये 209 टाइप की सबमरीन थी जो कि एक जर्मन कंपनी होवलडेस्वर के जूथ शिपयार्ड ने बनाई थी। ये इनका जर्मनी में इसका ट्रांसलेट शिपयार्ड होगा, ठीक है। इसमें इसके द्वारा ये निर्मित सबमरीन थी। ये देखो इसके टाइप्स है सबमरीन के, 209-11 टाइप की सबमरीन थी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये इसके टाइप थे। ये अब तक की 61 सबमरीन का निर्माण कर चुके हैं जो कि जर्मनी केवल निर्यात के लिए उपयोग करता है, बिल्कुल भी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करता। और ये काफ़ी सक्सेसफुल वॉर सबमरीन है जो 13 कंट्रीज़ को अभी तक सप्लाई कर दी गई है 1971 से 2008 तक, ठीक है। और कैसा लगा आपको वीडियो, ये है एंड ऑफ वीडियो, और बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में। अगर कोई और जानकारी आती है तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।